तो ये है किले का मैदान और यहाँ पर हो रही है 9 रोजा 10 दिन की तरावी। तो तरावी मुकम्मल हो चुकी है, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं दादा मियां चौराहा। तो यहाँ इस बार सीख कबाब भी लगे हैं मात्र 15 रुपए में। गर्मा गर्म नहारी कुलचे बिरयानी आप यहाँ पर खा सकते हो और ये है उन 9 की फेमस मुख्तार चाय। और इस तरफ है रमजान स्पेशल मुगलाई जायका जो सिर्फ रमजान के मौके पर लगती है। और यहाँ पर आपको नहारी कुलचा शिरमा बिरयानी सब कुछ मिलने वाली है। सो हेलो उन्नाव वालों, कैसे हो आप? तो माह रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, तो रमजान के चांद के साथ ही तरावी शुरू हो जाती है। तो आज पहला रोजा है और यहाँ पे तरावी हो रही है। तो काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एक वीडियो यहाँ का भी बनाया जाए, तो हम आ गए हैं आपके लिए यहाँ का वीडियो बनाने। तो अभी हमें किला बाजार के मैदान में और यहाँ पर 9 रोजा 10 दिन की तरावी हो रही है शाही मस्जिद में। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग एक साथ यहाँ पर तरावी पढ़ रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 9 और तरावी मुकम्मल होगी 9:30 बजे तक। पहले आपको यहाँ का एक पूरा व्यू दिखाएंगे, उसके बाद रोड पर एक दो शॉट लेंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे दादा मियां चौराहा जहाँ पर रमजान के महीने में काफी सारी खाने पीने की दुकानें लगती हैं। तो वहाँ आपको बाद में लेकर चलेंगे, पहले आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ के और भी वीडियोस दिखाए जाए। तो जैसे आपकी फरमाइशें आती है, कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उन टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए। तो अभी चलते हैं रोड पर, वहाँ के व्यू देखते हैं कैसे हैं। तो ये है शानू जनरल स्टोर। तो आप इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं और इस दुकान को जानते हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट जरूर करना, हम लोग रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। और इस तरफ इस्लाम चाचा की फेमस दुकान जो की लुचुई के लिए पूरे नाव में काफी फेमस है, जिसकी वीडियो हमने पहले भी इंस्टाग्राम पे डाली, आपने देखी होगी। तो ये वही दुकान है। तो रमजान के इस खास मौके पर यहाँ पर खजूर और बिस्कुट की दुकान लगी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे खजूर और बिस्कुट के ऑप्शन मिल जाएंगे। और लुची वाली शॉप के बिल्कुल बगल में यहाँ पर लगी है जाबिर भाई की फेमस बिरयानी जो सिर्फ रमजान के मौके पर लगती है और काफी टेस्टी होती है। तो आज की तरावी मुकम्मल हो चुकी है, धीमे धीमे लोग बाहर आ रहे हैं। तो थोड़ी भीड़ कम होने के बाद हम चलेंगे दादा मियां चौराहा। तो अभी हम आ गए दादा मियां चौराहे पर और यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बार यहाँ पर सीख कबाब भी मिल रहा है मात्र 15 रुपए में और खाने में भी काफी टेस्टी है। सीख कबाब के थोड़ी सी आगे आपको यहाँ पर मिल जाएगी नहारी कुलचे बिरयानी की दुकान। यहाँ पर बैठकर आप गर्मा गर्म नहारी कुलचे खा सकते हो, बिरयानी खा सकते हो, स्वाद भी काफी अच्छा है यहाँ का। आप लोग कमेंट करके बताएं कि अभी तक आपने यहाँ की नहारी कुलचे या फिर बिरयानी खाई है कि नहीं, और अगर खाई है तो कैसी लगी। तो थोड़ा आगे आपको जूस और लस्सी मिल जाएगी। तो ये सारी दुकानें आपको रमजान के पूरे महीने देखने को मिलने वाली है और ये दुकानें सिर्फ रमजान के ही महीने में लगती है। तो अभी हम चल रहे हैं मुख्तार की चाय की तरफ। तो उन्नाव वालों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगा करे तो शेयर जरूर कर दिया करें। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको उन्नाव का कहां का चाहिए और हम कोशिश करेंगे आपके लिए वहां का वीडियो बनाया जाए। तो अभी हम आगे उन्नाव की फेमस मुख्तार चाचा की चाय के पास। यहां पर आपको 12 मास भीड़ मिलने वाली है, लेकिन इस तरफ आपको देखने को मिलेगा रमजान स्पेशल मुगलाई जायका जो सिर्फ रमजान में ही लगती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको खाने को। नहारी कुलचा है, कड़ाव गोश्त है, ताफ्तान है, बिरयानी है, शीरमाल है, सब कुछ आप बढ़िया गर्मा गर्म यहाँ बैठ के खा सकते हो। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर कुछ शॉट दिखाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने उन्नाव स्ट्रीट रिव्यू को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर तो कभी कभी वीडियो आती है लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उन्नाव की डेली की एक्टिविटी आया करती है। तो उन्नाव वाले उन्नाव स्ट्रीट रिव्यू को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। और अभी तक आपने उन्नाव के इस लोकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो उन्नाव वालों, आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द एक बार फिर से हाजिर होंगे हम उन्नाव की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए उन्नाव वालों, बाय बाय।